नमस्कार। आज 25 अप्रैल सन 2022। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे शॉर्टेज ऑफ कोल, यानी कोयले की किल्लत। गौरतलब है कि हमने आपको लगभग 2 महीने पहले कोयले एवं बिजली की शॉर्टेज की या आपूर्ति में कमी की अग्रिम विश्लेषण प्रस्तुत किया था। उम्मीद है कि आपने इसको भरपूर इसका आनंद उठाया होगा। लगभग 2 महीने की अग्रिम विश्लेषण अब सत्य साबित होता देखा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 25 अप्रैल सन 2022 सोमवार। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने लगभग 2 महीने पहले आपको बिजली और कोयला संकट के बारे में अग्रिम अनुमान जताया था, जो अब अक्षत सत्य साबित होता देखा जा रहा है। रायपुर से खबर निकल रही है कि बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की डिमांड पीक पर पहुंच गई है, लेकिन कोयले की कमी के कारण बिजली संकट बहुत गहरा सकता है। देश में बिजली की डिमांड पिछले साल 200 गीगावाट से के अब तक के उच्च स्तर के करीब है, और इससे बिजली संयंत्रों में कोयला आपूर्ति की स्थिति चिंताजनक हो गई है। घरेलू कोयला आधारित संयंत्र के पास सिर्फ 8 दिन और आयातित कोयले पर आधारित संयंत्रों के पास लगभग 9 दिनों का स्टॉक बचा है। संकट नहीं सुलझा तो भीषण गर्मी में ब्लैकआउट का भी खतरा पैदा हो सकता है। संकट की झलक पिछले 8 अप्रैल को दिखा चुकी है। इसमें देश की बिजली के अधिकतम मांग 199.58 गीगा वाट तक पहुंच गई थी, तो कोयले की कमी के कारण कुल 7085 मेगावाट बिजली गुल रही। इसके बाद हालात को सुधरे, वह भी कोयला की सप्लाई बढ़ने के कारण नहीं, बल्कि दिन के दौरान बिजली की अधिकतम मांग घटने के कारण थी। दोस्तों, आयात बढ़ने के कोकिंग कोल के आयात बढ़ने की संभावनाएं कम हैं। यदि हम फिच की बात माने तो 7 अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि की संभावना नहीं है। कोयले की उपलब्धता अवेलेबिलिटी बहुत सीमित है, लिमिटेड है, जो उत्पन्न बिजली का 2/3 हिस्सा है। वही इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार इस वित्त वर्ष के में 3 महीनों यानी अप्रैल, मई और जून में घरेलू उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग के साथ बिजली की मांग भी बढ़ेगी, और मौसम की स्थिति में अभूतपूर्व बदलाव के कारण तापमान में उम्मीद से ज़्यादा वृद्धि हुई है। और यदि हम कुछ और सूत्रों की माने तो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के में भी कुछ राज्य कोयले की कमी के कारण इसे अधिक खरीद रहे हैं, और इम्पोर्टेड कोयले एवं गैस की कीमतों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, और आयातित कोल आधारित क्षमता 50 से अधिक उच्च कीमतों और हाई लॉजिस्टिक लागत के कारण चालू नहीं है, इसलिए मांग और बढ़ सकती है। यदि हम बिजली घरों की बात करें तो बिजली घर में कोयले को लेकर हाहाकार के बीच कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने दावा किया है कि देश में कोयले की कमी नहीं है। कहा है कि हमारे विभिन्न स्रोतों से 72.50 मिलियन टन कोयला उपलब्ध है, और ताप बिजली घरों के पास 22.01 मिलियन टन का कोयला उपलब्ध है। यह स्टॉक 1 महीने तक चलेगा। कोयला मंत्रालय के अनुसार 2020-21 के दौरान 716 मिलियन टन की तुलना में सन 2021-22 में कोयला उत्पादन 777.23 मिलियन टन तक पहुंच गया है। इसमें 8.55% की वृद्धि है। और यदि हम भारतीय रेल की भी खबर ले लें तो वहां से खबर निकल के आ रही है कि भारतीय रेल ने बिजली घरों को कोयला आपूर्ति बढ़ाने के लिए अहम उपाय किए गए हैं। इस साल कोयले की ढुलाई रिकॉर्ड 11.1 करोड़ टन बढ़ा दी गई है, और 65.3 करोड़ टन कोयले का लदान किया गया है। यह गत वर्ष के 54.2 करोड़ की तुलना में लगभग 20.4% ज़्यादा है। अप्रैल में बिजली क्षेत्र के लिए कोयले की आपूर्ति 10% से ज़्यादा कर दी गई है। तो दोस्तों, ये था सरकारी एजेंसियों का दावा, रेलवे का दावा, और विभिन्न रिसर्च एजेंसियों का की स्थिति और वस्तुति और ग्राउंड रियलिटीज। अब हम आकलन कर रहे हैं कि कोयले की कमी, बिजली की अधिक आपूर्ति और तेज भाव
क्या असर डाल सकते हैं लोहा एवं इस्पात इंडस्ट्री के ऊपर, साथ में सीमेंट कोल बेस सीमेंट उद्योगों पर। गौरतलब है कि जून, अप्रैल, मई और जून तीन महीने ये बहुत पीक सीजन माने जाते हैं लोहा एवं इस्पात और सीमेंट के लिए, क्योंकि निर्माण गतिविधि, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि इन महीनों में चरम सीमा पर होते हैं, और मानसून और प्री मानसून के दौरान भी कोयले का भंडारण किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि साउथ वेस्ट मानसून से पहले कोयले का भंडारण करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मानसून के दौरान कोल माइनिंग में प्रोडक्शन में बाधा आ जाती है और वहाँ पे पानी भर जाता है। अतः जो भी कोल के यूजर हैं, इंडस्ट्री है या कोल आधारित संयंत्र हैं, उनको प्री मानसून स्टॉकिंग करनी आवश्यक हो जाती है। अब प्रश्न ये है कि एक तरफ प्री मानसून कोकिंग कोल की का भंडारण, दूसरा ज़बरदस्त बिजली की मांग की कमी और ज़बरदस्त बिजली की डिमांड और औद्योगिक इकाइयों को भी आपूर्ति। खबर मिल रही है कि कोल इंडिया ने, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा कोल माइनिंग संयंत्र है, उसने भी कोयले की आपूर्ति बिजली संयंत्रों को देने का अधिक फैसला किया है, और उसमें समुचित कटौती की संभावना स्टील एवं सीमेंट कंपनियों को कर दी है। इसका असर प्रोडक्शन पर पड़ सकता है, चाहे वो लोहा एवं इस्पात हो या फिर सीमेंट हो, और यहाँ तक भी संभावना जताई जा रही है कि कुछ पावर कट के वजह से प्रोडक्शन कट, यानी हफ्ते के अंदर एक या दो या तीन दिन का कट भी संभव है प्रोडक्शन में। तो कुल मिला के ये स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस और ग्राउंड रियलिटीज़ का अध्ययन एवं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि इस बार पहले से अधिक गर्मी पड़ने की संभावना अधिक है। तापमान में तीव्र इजाफा यानी तेज गति से बढ़ना ये भी एक मुमकिन है, और इसका असर बिजली की खपत एवं कोकिंग कोल के ऊपर भी पड़ेगा। कोकिंग कोल के ऊपर इसलिए पड़ेगा क्योंकि बिजली का उत्पादन अधिक होना पड़ेगा और उसके लिए कोयले की आवश्यकता अधिक होगी। साथ साथ बिजली के दामों के अंदर भी ज़्यादा इजाफा हो सकता है। गौरतलब है कि राज्य स्तरीय बिजली बोर्ड ग्रिड से बिजली खरीदते हैं, और ग्रिड में बिजली के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। इसका असर निश्चित रूप से बिजली की आपूर्ति पर पड़ेगा, और बिजली बोर्ड अधिकतर प्रायोरिटी आम जन को, कंज्यूमर्स को बिजली पहले देने का प्रयास करेगा, और कुछ कटौती औद्योगिक इकाइयों की तरफ हो सकती है। और जो औद्योगिक इकाई डायरेक्ट ग्रिड से बिजली खरीद रहे हैं, उनको बिजली के दाम अधिक देने पड़ेंगे। इसमें कोई दोराय और इसमें कोई संशय नहीं है। इससे उनका प्रोडक्शन कॉस्ट में बढ़ने का संभावना है। एक और महत्वपूर्ण बात, स्टील और लोहा बाजार के साथ साथ सीमेंट उद्योग के अंदर भी संभावना बनेगी, क्योंकि बिजली और कोयले का महत्वपूर्ण रोल होता है कॉस्ट कैलकुलेशन में, यानी लागत पे। और यदि इन दोनों में बढ़ोतरी होती है, और बढ़ोतरी हो रही है, इसका असर सीधा सीधा लोहा इस्पात एवं सीमेंट उद्योग के ऊपर पूर्ण रूप से पड़ने की संभावना है और पड़ेगा। अतः उपभोक्ता हो या स्टॉकिस्ट या उद्योगपति, इसका विशेष ख्याल रखें। दोस्तों, याद रखिएगा, कोई भी संकट आने से पहले उसका अनुमान लगाना और एक अलग बात है, और संकट आने के बाद उसके कारणों का विश्लेषण करना अलग बात है। अजस्ट मनी गुरु 42 कमोडिटीज़ पर लगातार आपको अपडेट देता है, लगातार आपसे बात करता है, हर संभावनाओं को आने से पहले आप तक पहुंचाता है। दोस्तों, आप हमारी पेड सर्विसेज कोकिंग कोल हो या लोहा इस्पात उद्योग के आगे तो उतार चढ़ाव के बारे में हमसे चर्चा कर सकते हैं पेड सर्विसेज के जरिए। नंबर स्क्रीन पर है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।